गद्य का पहला पाठ पढ़ाने चल रहे हैं। गद्य का पहला पाठ है बात, जिसके लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी। मिश्र जी का जन्म उन्नाव जिले के पेजर नामक गांव में 1856 ईस्वी में हुआ था। ये भारतेंदु युग के लेखक थे। इनके पिता का नाम संकटा प्रसाद मिश्र था, जो कि एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। इसी कारण से वह कानपुर में आकर बस गए थे। वह अपने पुत्र मिश्र जी को भी जोशी की शिक्षा देना चाहते थे, लेकिन मिश्र जी का मन उसमें नहीं लगा। उन्होंने अंग्रेजी सीखने के लिए एक स्कूल में प्रवेश लिया, वहां भी उनका मन नहीं लगा। कुछ दिनों बाद उन्होंने वह स्कूल छोड़ दिया। इसी प्रकार उन्होंने अध्ययन करने के लिए स्कूल में प्रवेश लिया, लेकिन वहां कहीं भी उनका मन नहीं लगा। उन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, अंग्रेजी, बंगला का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। कहा जाता है कि एक बार ईश्वरचंद्र विद्यासागर इनसे मिलने के लिए आए थे, तो इन्होंने संपूर्ण वार्तालाप बंगला भाषा में ही किया था। यह हमारा दुर्भाग्य था कि यह बिरला सपूत बहुत कम आयु में ही, 38 वर्ष की आयु में ही इनका निधन 1856 ईस्वी में हो गया था। इन्होंने स्वाध्याय और सुसंगत के माध्यम से जो कुछ भी अर्जित किया था, वह नाटक, गद्य, काव्य, निबंध के माध्यम से संसार को प्रदान कर दिया था। साहित्यिक परिचय, इन्होंने ख्याल एवं लावणियों के माध्यम से अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया। ये भारतेंदु जी से बहुत अधिक प्रभावित थे, इसलिए उन्हें वह अपना गुरु मानते थे। भारतेंदु जी ने जिस प्रकार से साधारण भाषा में अपना ज्ञान प्रदान किया, वही भाषा मिश्र जी ने भी रखी। वह भारतेंदु जी के कवि वचन सुधा पत्रिका से बहुत अधिक प्रभावित थे, इसीलिए भारतेंदु जी की पत्रिका को देखकर उन्होंने अनेक कविताएं भी लिखी। वह भारतेंदु जी की तरह अपने आप को एक कुशल अभिनेता मानते थे। इनकी विशेषता यह थी कि इन्होंने साधारण विषय पर, जैसे दांत, भौं, मूंछ पर भी बहुत अच्छा लेखन शैली किया हुआ है। यह हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि यह सपूत इतने कम समय के लिए इस संसार में रहा और हम लोगों को छोड़कर चला गया। इन्होंने ब्राह्मण हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किया, हठी अमीर, कली कौतुक, भारत दुर्दशा जैसे इनके नाटक हैं, हठी अमीर, गौ संकट। भाषा, इन्होंने भारतेंदु जी की ही भाषा का प्रयोग किया, साधारण भाषा का प्रयोग किया, कहावतों और मुहावरों का प्रयोग किया, हास्य व्यंग्यात्मक इनकी शैली थी। बच्चों, अब हम आपको चैप्टर पढ़ाने चल रहे हैं। चैप्टर में मिश्र जी ने बताया है कि बात का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अगर हम एक दूसरे से बात ना करें तो हम एक दूसरे के सुख दुख को नहीं जान सकते हैं, न एक दूसरे के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। बात पाठ में लेखक ने बात के महत्व के बारे में बताया है। लेखक कहते हैं, यदि हम वैद्य होते तो वात, पित्त, कफ से संबंधित बातें करते। यदि हम भूगोल वेत्ता होते तो जलवायु से संबंधित बातें करते। ना तो हम वैद्य हैं, इसलिए हम वात, पित्त, कफ से संबंधित बातें नहीं कर सकते, और ना ही हम भूगोल वेत्ता हैं,
कि हम मौसम से संबंधित बातें करें, किसी देश के जलवायु की बातें करें। हमारे और आपके बात का केवल एक ही कारण है, जो हम एक दूसरे के हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करना है, अर्थात हम एक दूसरे के सुख दुख के बारे में जान सकें, एक दूसरे की भावनाओं को जान सकें। हमारे लिए बात का यही महत्व है। आगे लेखक कहते हैं कि बात के बिना तो मनुष्य रह ही नहीं सकता, इसीलिए समस्त जीवधारियों में बात के ही कारण मनुष्य को सबसे उच्च श्रेणी में रखा गया है। सुख सार आदि अर्थात तोता और मैना जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, वह हमारी बातों को थोड़ा समझ लेते हैं, इसलिए उन्हें सबसे उच्च श्रेणी माना गया है। लेखक कहते हैं कि जब बात के बिना ईश्वर नहीं रह सकता है, तो हम और आप तो उसके द्वारा बनाए गए हैं। तो कुछ लोगों ने उसका विरोध किया कि ईश्वर तो बिना मुख के है, उसका कोई आकार नहीं है, तो वह कैसे बात कर सकता है। तो लेखक ने कहा, हमारी जो पवित्र पुस्तक है गीता, पुराण, बाइबिल, वह सब में ईश्वर के ही शब्द हैं, इसलिए ईश्वर भी बात करता है। तुलसीदास जी ने कहा है, सभी धर्मावलंबियों ने भी माना है कि ईश्वर के शब्द होने के कारण बिन वाणी वक्ता बिन जोगी, अर्थात वो बिना वाणी के होते हुए भी हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ बोलता है। फिर कुछ लोगों ने कहा, वह तो लूला है, लंगड़ा है, वह कैसे बिना बात के रह सकता है, वह कैसे बात कर सकता है। तब भी लेखक ने यही कहा कि हमारी जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, सब में ईश्वर की ही बातें लिखी हुई हैं। जब वह ईश्वर बिना बात किए नहीं रह सकता है, तो हम और आप तो उसके द्वारा बनाए गए हैं। लेखक ने कहा, गात माही बात कर्मा, अर्थात गात मतलब जितने तरह की शरीर होती है उतने तरह की बातें होती हैं। इतिहास, शास्त्र, पुराण, वेद, जितने भी चीजें हैं, सब इस लोक से परमात्मा तक जाने की बातें करते हैं। हमारे वेद में इस संसार में रहते हुए हम उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे, उस प्रकार के शब्द लिखे गए हैं, इसलिए ईश्वर बात करता है। इतिहास में अतीत की बातें लिखी गई हैं। नाना प्रकार से लेखक ने इस बात को समझाने का प्रयत्न किया है कि ईश्वर भी बात करता है, और सभी धर्मावलंबियों ने सहमति से मान लिया कि बिन वाणी वक्ता बिन जोगी। जिस प्रकार से ईश्वर के अनेक रूप होते हैं, उसी प्रकार से हमारे बात के भी अनेक रूप होते हैं। जैसे छोटी बात, बड़ी बात, चुभती बात, कड़वी बात। जैसे आप देखते हैं, बहुत से लोग छोटी सी ही बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं कि वह बहुत बड़ी बात हो जाती है। कुछ लोग बड़ी ही बात को इतने संक्षिप्त ढंग से कहते हैं कि उसकी बात भी पूरी हो जाती है। बच्चों, अब आप इसको उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए आपने कोई बहुत छोटी गलती की है, लेकिन हमारे बात में इतना दम है कि बताने वाले ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर उस बात को बता दिया, तो हो सकता है कि आपको छोटी सी ही गलती पर
ये भी हो सकता है कि आपने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन बताने वाले ने इतने संक्षिप्त ढंग से कहा कि आपको बस थोड़ी सी ही डांट पड़ी। सुहाती बातें, सुंदर लगने वाली बातें, मन को अच्छी लगने वाली बातें, चुभती बातें, हृदय को छू लेने वाली बातें। इसलिए लेखक ने कहा है कि ईश्वर की तरह उसके भी अगणित रूप होते हैं। जिस प्रकार अगणित रूप हैं वाक्य, उसी प्रकार से बात के अनेक काम भी हैं, जैसे प्रीति, घृणा, उत्साह, अनुत्साह, सुख दुख, प्रीति वैर, प्रीति मतलब प्रेम, वैर मतलब दुश्मनी। बात के ही माध्यम से हम एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, बात के ही माध्यम से हम एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, बात के ही माध्यम से हम एक दूसरे के सुख दुख को जान पाते हैं, एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं, बात के ही माध्यम से हम लोगों की खुशी को जान पाते हैं, लाखों कोस का समाचार भी हम बात के माध्यम से ही जान पाते हैं। क्या आप बच्चों टेलीफोन या मोबाइल लेकर खड़े रहोगे, कुछ बोलोगे नहीं, तो क्या अगला व्यक्ति आपको समझ पाएगा? कभी नहीं समझ पाएगा। बात का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, बात का हमारे जीवन में इतना महत्व है कि हमारी जैसी संगति होती है हम उसी प्रकार के हो जाते हैं। जैसे आप उसे हमेशा कहा जाता है कि आप बुरे लोगों का साथ मत करिए, इसीलिए कहा जाता है कि आप जिसके साथ रहोगे उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। अच्छा सज्जन व्यक्ति अगर बुरे के साथ रहने लगता है तो वह दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाता है, और बुरा व्यक्ति अगर सज्जन के साथ रहता है तो वह सज्जन बन जाता है। बात का हमारे जीवन में इतना महत्व है। मक्खी चूस जो बहुत अधिक कंजूस है वह उदार बन जाता है। बात का इतना महत्व है कि जो कायर पुरुष है वह बात के माध्यम से युद्ध करने को तैयार हो जाता है, वीर हो जाता है, और जो युद्ध करना चाहता है वह शांत प्रिय हो जाता है। इस प्रकार से लेखक का मानना है कि जिस प्रकार से ईश्वर के असंख्य रूप होते हैं उसी प्रकार से उसके अनेक कार्य भी होते हैं। बात का इतना महत्व है, आपके चैप्टर में बच्चों आया है बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। बात में इतना दम है कि जो हमारे राजा महाराजा होते थे उनका भले नुकसान हो लेकिन अगर उनकी जो चापलूसी करता था तो उसे पुरस्कार प्राप्त हो जाता था, जो सच और कड़वी बात को बोलता था उसे हाथी के नीचे कुचलवा दिया जाता था। जिस प्रकार से शरीर में हाथी पाव रोग वात के कारण होता है, बहुत कष्टदायी होता है, उसी प्रकार से लेखक ने इसीलिए उसकी तुलना बात से की है। इसीलिए उसने कहा है बातें हाथी पाएंगे, बातें हाथी पाओ। बच्चों हम लेखक कहता है जब बिल्ली कुत्ते को आप थोड़ा सा पुचकार कर बुलाते हैं तो वह आपकी बातों को समझ जाता है, और हमारे बात के तत्व भी अनेक होते हैं। लेखक कहता है जो बच्चों की तोतली बातें, सहृदयगण सज्जनों की बातें, कवियों की बातों को नहीं समझ पाता है वह मनुष्य नहीं पाषाण खंड है। अब लेखक ने चैप्टर के अंत में आज के मनुष्यों की बातें और पिछले हमारे पूर्वजों की बातों का तुलना की है। देखिए दोनों की बातों में कितना अंतर है। दोनों की बातें चैप्टर में आए हैं तन तियत
धर्म धरनी। पहले के लोग अपनी बात का इतना महत्व रखते थे कि अगर उन्होंने उस बात को एक बार कह दिया है तो तन मतलब शरीर, तीर मतलब स्त्री, तने मतलब पुत्र, धाम मतलब घर द्वार। तो उनको अपनी बात जो उन्होंने कह दी है उसको मानने के लिए उन्हें अपना शरीर, स्त्री, पुत्र, घर सब कुछ छोड़ना पड़े तो वह छोड़ देते हैं। बच्चों आपके चैप्टर में आया है सुतते अधिक प्राण, मतलब पुत्र बहुत प्यारा होता है, सुत मतलब पुत्र, लेकिन पुत्र से भी अधिक प्यारा प्राण होता है। लेकिन राजा दशरथ ने अपनी बात को रखने के लिए अपने पुत्र और प्राण दोनों त्याग दिए थे। आज भी उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया गया है। लेकिन आज के मनुष्य मर्द की जवान चलती फिरती गाड़ी का पहिया है, मतलब अगर किसी ने अपनी कोई बात को कहा लेकिन अगले ही क्षण से लगता है कि इसमें मेरा ज्यादा फायदा है, मुझे ज्यादा धन मिलेगा, मेरी ज्यादा प्रगति होगी, तो वह अपनी बातों को बदल देता है। इसी पे लेखक ने बात चैप्टर को अंत कर दिया है, पाठ आपका समाप्त हो गया है। बच्चों मैंने आपको जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली और जितना प्रश्न उत्तर व्याख्या दिया है उसी में से पेपर में आता है, आपको अलग से पढ़ने की या अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है।